नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चलती ट्रेन से 5 करोड़ की चोरी। चलती ट्रेन में दुस्साहस भरी चोरी के एक मामले में तमिलनाडु से सलेम से एक ट्रेन से चेन्नई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजी जा रही 340 करोड़ रुपए की रकम में से 5 करोड़ रुपए चुरा लिए गए। ट्रेन में 226 पेटी में नकदी से भरी 4 पेटी से छेड़छाड़ की घटना के प्रकाश में आने के कुछ घंटे बाद IGP एस राम सुब्रमणि ने बताया कि 5 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। बहरहाल RBI के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रेन में 340 करोड़ रुपए की फटी पुरानी नकदी 226 पेटी में सलेम से चेन्नई भेजी जा रही थी। अधिकारी ने कहा कि सलेम से चेन्नई पहुंचने के बाद लकड़ी की 4 पेटी में छेड़छाड़ पाई गई। पुलिस ने बताया कि नकदी पेटी से भरे 3 मालवाहक डिब्बों में से एक का एयर वेंट टूटा हुआ पाया गया, जिससे संदेह है कि किसी ने ऊपर से प्रवेश किया। मुक्केबाज विकास कृष्णन अंतिम 16 में। भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्णन यादव रियो ओलंपिक में पुरुषों की 75 किलोग्राम मिडिल वेट स्पर्धा का पहला मुकाबला जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पूर्व एशिया स्वर्ण पदक विजेता विकास ने स्पर्धा के प्रिलिमिनरी बाउट 77 में अमेरिका के अपने प्रतिद्वंदी एल्बर्ट शॉन चार्ल्स कॉनवेल को 3-0 से हराते हुए अंतिम 16 में जगह बनाई। 18 वर्षीय कॉनवेल भारतीय मुक्केबाज के सामने संघर्ष करते दिखे। विकास अब 12 अगस्त को प्री क्वार्टर फाइनल में तुर्की के सिपल ऑर्डर के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। इस बीच पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता मनोज कुमार आज लिथुआनिया के एवलदास के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। खुलेगा पतंजलि की विवादास्पद पुत्रजीविक वटिका राज, जांच के आदेश। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि वह बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की विवादास्पद औषधि पुत्रजीविक वटी से जुड़े मुद्दों के बारे में पता लगाए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने दिग्विजय सिंह के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से इस मामले की जाँच करने और रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है। कुलस्ते ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने अपनी रिपोर्ट अभी तक केंद्र सरकार को नहीं सौंपी है। उत्तराखंड सरकार ने स्वामी रामदेव की फार्मेसी द्वारा बनाई जाने वाली इस विवादास्पद दवा की जांच के लिए पिछले साल 3 सदस्यीय एक जांच समिति बनाई थी और उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। बताया जाता है कि यह रिपोर्ट योग गुरु के पक्ष में नहीं है।